दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल गॉड ऑफ रीकार्नेशन की तरह है। इसमें भी कल्टीवेशन और कॉमेडी भर भर के है। तो चलिए पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मिलिट्री एजेंट को दिखाया जाता है। इसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था क्योंकि कुछ लोगों ने शहर का सबसे पावरफुल वेपन चुरा लिया होता है और वो उसे चुरा कर दूसरे देश में भाग रहे होते हैं। इसीलिए वो एजेंट उस नाप पर आ जाता है जिस पर सारे बदमाश लोग होते हैं, ताकि उन सबको मार कर वो वेपन उनसे छीन सके जो कि वो लोग उसे वहाँ से ले जा रहे होते हैं। एजेंट काफ़ी पावरफुल होता है क्योंकि उसके सभी मिशंस का स्ट्राइक रेट 100% है, क्योंकि उसने सारे मिशन क्लियर किए हैं। और उसका 100% सक्सेस रेट क्यों है वो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो कुछ ही देर में उन सबको मारे जा रहा होता है सिर्फ एक पिस्टल की मदद से। वो उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते सबको मारते जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है पूरी की पूरी मशीन गन लेके। इसी के चलते वो एजेंट वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। उस ग्रेनेड की मदद से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। धुएं का फ़ायदा उठाते हुए वो एजेंट उस मशीन गन वाले आदमी के पास पहुँच जाता है। फिर उसे वो अच्छी तरह से धो डालता है। उसे हराने के बाद एजेंट एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर वो वेपन रखा होता है। एजेंट बोलता है, अच्छा तो ये है वो वेपन। वो उस वेपन को एक्टिवेट कर देता है। वो वेपन एक्टिवेट होते ही एजेंट को अपने अंदर खींचने लगता है। एजेंट कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतनी ही देर में कुछ ऑफिसर पीछे से बंदूक लेके आ जाते हैं जो कि उस पर हमला करने लगते हैं, पर उनकी गोलियों का कुछ असर नहीं होता है उस पर। वो एजेंट सोचता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। इतनी ही देर में एक पीछे से सोल्जर RPG छोड़ देता है उस पर, जिससे कि बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसी के बाद हमें नॉर्मल वर्ल्ड छोड़ के मार्शल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की, उसका नाम कियर होता है, वो अपने मास्टर की फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। और वहाँ पे बहुत काफ़ी सारे लोग आए हुए थे जिनको उसके मास्टर के मर जाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गाय से वही लोग हैं जिनको बस खाने से मतलब है और किसी से भी नहीं। और फिर कियर भी रोने की एक्टिंग शुरू कर देती है। उन लोगों को भी इशारा करके बोलती है, तुम भी रोना स्टार्ट करो, अगर तुम रोगे नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। जिसकी वजह से वो लोग भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर कियर कहती है, और जोर जोर से चिल्लाओ जिससे कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कोई मर गया है। साथ ही में वो गाना वगाना भी शुरू कर देती है। उसके मास्टर का नाम जुनमोजी था और वो अपने मास्टर के मर जाने की खुशी में सभी को गाना गाने को कहती है, और वो सभी लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर ये भी कहने लगते हैं, जुनमोजी तो मेरा सौतेला बाप था। दूसरे लोग उसे देख के कहते हैं, तुम्हारा तो सरनेम भी उससे नहीं मिलता। नाटक करना है तो ढंग से करो कम से कम। पास ही के ताबूत में से एक जने का हाथ निकलने लगता है। ये देख के सब लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। कियर भी ये देख के हैरान हो जाती है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो अभी मर गया था। उस ताबूत में से जुनमोजी निकलता है जो कि वही एजेंट होता है। वो एजेंट उस मिस्टीरियस वेपन की वजह से यहाँ पे आ चुका होता है और वो अपनी आँखें जुनमोजी के शरीर में खोलता है। कियर अपने मास्टर को जिंदा देख कर घबरा जाती है। फ्लो फ्लो में वो उसे लपसीट कर थप्पड़ भी जड़ देती है। जुनमोजी बहुत दूर जाके गिरता है। तब कियर उसके पास आती है। कियर कहती है, अरे मास्टर आप तो जिंदा हो गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको दोबारा जिंदा देखकर। पर जुनमोजी को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की कौन है और वो उसे मास्टर क्यों बुला रही है। वो कियर से सवाल जवाब करने लगता है कि ये जगह कौन सी है और यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। कियर कहती है, ये तियानजोंग किंगडम है और ये आपका घर है और आप यहीं पर रहते थे। ये सुनकर जुनमोजी कहने लगता है, बस बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर ज़्यादा डांटक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर कियर कहती है, आप ये क्या बात कर रहे हो। जुनमोजी सोचता है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर आके फंस गया, अब मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। ये सुनकर कियर कहती है, मास्टर आप तो ऐसा लगता है बिल्कुल बदल ही गए, पहले आप मेरा हर काम में मेरा इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि मैं आपको खाना ला के देती थी, यहाँ तक कि मैं आपको बाथरूम में भी ले जाती थी और बाहर गेट पर खड़ी रहती थी, बाहर गेट पर खड़े होकर मैं सीटी बजाती थी, अगर मैं सीटी नहीं बजाऊँ तो आप बाथरूम नहीं कर पाते थे। ये सुनकर जुनमोजी कहता है, मैं किस बेवकूफ़ की बॉडी में आ गया, इससे तो ढंग से बाथरूम करना भी नहीं आता, इससे अच्छा तो मैं उसी बोट में मर जाता। उसके बाद कियर जुनमोजी को फैमिली कार्ड के पास लेके आती है जिसमें पूरी फैमिली के मेंबर का नाम लिखा होता है। उन फैमिली मेंबर में जुनमोजी का भी नाम लिखा होता है। जुनमोजी फिर कियर से कहता है, मेरे भाई बहन कहाँ हैं, मेरे घरवाले कहाँ हैं। जिस पर कियर बताती है, इस पर जिसका भी नाम लिखा होता है वो सब मर गए होते हैं। ये सुनकर जुनमोजी सोचता है, इसका मतलब उसके सारे लोग मर चुके हैं और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम आ जाएगी और मैं अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकूँगा। वो एक आईना लेकर अपना चेहरा देखता है, फिर सोचता है, इस इंसान की इतनी भी शक्ल बुरी नहीं है, अगर पैसा हो तो मैं यहाँ पे भी आराम से जी सकता हूँ। उसी आईने के अंदर उसे एक इंसान दिखता है जो कि उस पर नज़र रख रहा होता है। ये देखकर जुनमोजी हैरान हो जाता है, अरे ये कौन है जो मेरे पर नज़र रख रहा है। पर जब तक वो कुछ करता
जब तक वो इंसान चला जाता है। दूसरी तरफ हम जिन तियांग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जिन मूजी का ग्रैंडपा है। उसके सामने तीन फैमिली मेंबर खड़े होते हैं। वो उनसे पूछ रहा होता है कि तुम में से किसने उसकी जान ली, मुझे सच सच बताओ, अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो एक एक करके सबसे ज़बरदस्ती पूछ रहा होता है, तुम्हारी ही फैमिली थी ना इसके पीछे जिसने मेरे पोते की जान ले ली, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो किंग से कहता है, मेरी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रही है और ऐसी लॉयल फैमिली के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। उधर किया जुनवी जी को तीन पिक्चर दिखा रही होती है, इन तीनों में से ही तुम्हारी किसी ने हत्या की है। जुनवी जी को ये समझ नहीं आता है आखिर ये लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। फिर कियर वहाँ पे एक बहुत लंबी सी लिस्ट लेके आती है जिसमें लिखा होता है जुनवी जी ने क्या क्या कर्म किए हैं। जुनवी जी लिस्ट देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि वो लिस्ट बहुत बड़ी होती है। जुनवी जी कहता है, इस इंसान ने तो बहुत सारे कर्म कांड कर रखे हैं। अरे अरे, आपकी प्रॉबिलिटी तो इतनी है कि आपको प्रिंसेस म्यू ने भी बुलाया था, इस वजह से आपके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए हैं क्योंकि वो सब जेलस होते हैं। लगता है मेरी जान लोगों ने इसलिए ले ली क्योंकि प्रिंसेस म्यू ने मुझे पर्सनल बुलाया था। जिसे सुनकर कियर कहने लगती है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपके मरने का कारण तो ये है कि आप सोने जा रहे थे, आपका पैर फिसल गया और आप बेड से नीचे गिर गए जिस वजह से आपकी जान चली गई। ये सुनकर तो जिनवू जी का सिर चकरा जाता है। वो सोचता है कि मैं हंसूँ या रोऊँ, ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तभी वहाँ पर जिनवू जी के थर्ड अंकल आ जाते हैं। तब वो कहते हैं, हमारी फैमिली का कचड़ा दोबारा से जिंदा हो गया। ये सुनकर जिनवू जी कहने लगता है, आपको किसी की इज्जत नहीं करनी आती है क्या? इस पर वो कहता है, इज्जत की नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। ये तरबूज जो तुम खा रहे हो वो मुझे दे दो। जिस पर जुनवू जी कहने लगता है, खाने की चीज़ें कभी मांगी नहीं जाती बल्कि खरीदी जाती हैं। ये सुनकर थर्ड अंकल उसका हाथ जड़ी जोर से पकड़ लेता है और जुनवू जी हिल भी नहीं पाता। थर्ड अंकल के हाथ से बहुत ही जोर की ऑरा निकल रही होती है। वो उससे तरबूज लेके खाने लगता है। तभी कियर वहाँ आकर जुनवू जी के जले हाथ पर दवा लगाने लगती है। जुनवू जी कहता है, अरे यार मैं कौन सी दुनिया में फंस गया, यहाँ कैसे लोग हैं। इधर जीसियन तीनों फैमिलीज के हेड से लड़ रहा होता है। वो साथ ही साथ में कहने लगता है, मुझे पता है तुम लोगों ने ही मेरे पोते को मारा है। वहाँ पर तभी एक मोटा आदमी आके कहने लगता है, जाके तुम अपने घर देखो, तुम्हें तुम्हारा पोता जिंदा मिलेगा। तभी जीशियन का आदमी आकर कहने लगता है, हाँ ये सही कह रहा है, जुमुजिन जिंदा है। ये सुनकर जीशियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, अरे वाह मेरा पोता जिंदा है। फिर हमें दूसरे सीन में एक यंग मास्टर दिखाया जाता है, उसके पास एक आदमी आके उसे बताने लगता है जुनवूजी दोबारा से जिंदा हो गया। ये सुनकर यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यंग मास्टर कहने लगता है, मैं अब ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे कि पता चल जाएगा कि वही असली जुनमूजी है। अगर वो प्लान में फेल हो गया तो पता चल जाएगा कि वो जुनमूजी नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई और है। दूसरी तरफ हम जुनमूजी को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। प्रैक्टिस करते वक्त उसे अपने हाथ पर एक बर्थमार्क निशान दिखाई देता है। वो ये देख कर तो हैरान था कि आखिर ये बर्थमार्क क्या है। उस बर्थमार्क में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है जिसकी वजह से आसपास की जगह के हिलने की वजह से ज़मीन में दरार आ जाती है। उस दरार में से मिस्टीरियस वेपन निकल के आता है जिसकी वजह से जुनमूजी मार्शियल वर्ल्ड में आ गया था। वो वेपन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है। उसी के साथ ही उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है और वो सीक्रेट वेपन पूरी तरह से ओपन हो जाता है। उसमें से एक रोशनी निकलती है जो आसमान में जा रही होती है। ये देखकर जुनमूजी काफ़ी हैरान हो जाता है। बस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म।